हेलो, वेलकम टू बिजनेस आइडियाज चैनल। बिजनेस आइडिया के चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक और नए बिजनेस आइडिया के साथ। आज का जो बिजनेस आइडिया है वो है ओल्ड रनिंग आइटम सेलिंग या सेकेंड हैंड रनिंग आइटम सेलिंग। अब ये बिजनेस क्या है, ये बिजनेस किस तरीके से हम सक्सेसफुली कर सकते हैं और इस बिजनेस में फ्यूचर क्या है, ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो आखिरी तक देखिएगा। तो सबसे पहले ओल्ड रनिंग आइटम सेलिंग या सेकेंड हैंड रनिंग आइटम सेलिंग ये क्या है, ये मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। जैसे हम देखते हैं काफ़ी सारे सामान की ज़रूरत जो रनिंग आइटम होते हैं रेगुलरली बनी होती है। हम जिस भी शहर में रहते हैं या जहाँ भी रहते हैं, हम देखते हैं कुछ ऐसे सामान होते हैं जो रनिंग आइटम होते हैं जिनकी एक रेगुलर डिमांड होती है, जिनकी डिमांड हमेशा बनी होती है। तो उन्हीं रनिंग आइटम, सेकेंड हैंड रनिंग आइटम की हम शॉप ओपन कर सकते हैं या उनको सेलिंग का बिजनेस हम कर सकते हैं। तो कौन कौन से ऐसे आइटम हैं जो रनिंग आइटम हैं जिनकी हम शॉप ओपन कर सकते हैं, जिनका सेलिंग का बिजनेस कर सकते हैं, एक दो एग्जांपल के साथ मैं बताता हूं और हो सकता है उसके बाद और कई आइडियाज़ आपके दिमाग में आ जाएं कि हम और क्या क्या कर सकते हैं। अब जैसा हम देखते हैं जिस भी शहर में हम रहते हैं हजारों लाखों गाड़ियाँ होती हैं, हजारों लाखों व्हीकल्स होते हैं तो वो ख़राब भी होते हैं, उन्हें मेंटेनेंस की भी ज़रूरत होती है, वो गैरेज पे भी जाते हैं। तो हर शहर में काफ़ी सारी ऑटो पार्ट्स की शॉप होती हैं, काफ़ी सारी ऑटो पार्ट्स की शॉप भी होती हैं जहाँ पर नए ऑटो पार्ट्स मिला करते हैं। जहाँ पर नए ऑटो पार्ट्स मिला करते हैं वहीं पर अगर हम पुराने ऑटो पार्ट्स की शॉप ओपन करते हैं, सेकेंड हैंड ऑटो पार्ट्स की शॉप ओपन करते हैं, ऑटो पार्ट्स के साथ टायर भी इसमें शामिल होता है, जितने भी व्हीकल से रिलेटेड आइटम हैं। तो अगर हम सेकेंड हैंड ऑटो पार्ट्स की शॉप ओपन करते हैं या उसका सेलिंग का बिजनेस करते हैं तो ये भी एक काफ़ी सक्सेसफुल तरीके से हम कर सकते हैं। अब इस बिज़नेस को करने के लिए सबसे पहले तो एक शॉप की रिक्वायरमेंट होती है जहाँ से ये बिज़नेस हम शुरू कर सकते हैं। शॉप की रिक्वायरमेंट होती है जहाँ से हम ये बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। शॉप के बाद जो सेकंड रिक्वायरमेंट होती है वो होती है सेकंड हैंड ऑटो पार्ट्स की। सेकंड हैंड ऑटो पार्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है तो यहाँ पर कई हम शहर में देखते हैं कई ऐसी गाड़ियाँ होती हैं जो भंगार होती हैं, जो आदमी वैसे ही दे देता है, 1000-2000 जो भी जिस तरीके की गाड़ी है काफ़ी सस्ते में मिल जाती है। तो अगर हमको लगता है कि ये गाड़ी अगर हम 2000 रुपये में ले लेते हैं और इस गाड़ी को खोल के अगर इसके ऑटो पार्ट्स इंडिविजुअल सेकेंड हैंड 4000 रुपये में बिक जाते हैं तो ये एक बेटर इन्वेस्टमेंट है, ये एक बेटर इन्वेस्टमेंट है। तो इस तरीके से पुराने ऑटो पार्ट्स हम कलेक्ट करते हैं, चाहे उसी शहर से हम कोई भी गाड़ी पुरानी परचेज करें, उसको खोल दें पूरा और अलग अलग उसके इंडिविजुअल ऑटो पार्ट्स निकाल लें, या हम दूसरे शहर से भी गाड़ियां ला सकते हैं, उन्हें खोल सकते हैं, दूसरे शहर से भी गाड़ियां खरीद के ला सकते हैं पुरानी, उन्हें खोल के हमें अगर लगता है ये गाड़ी 1000 रुपये में मिल रही है और ये 2000 में इसके पार्ट्स बिक जाएंगे तो वो गाड़ी हम परचेज करके लाते हैं, उसे खोल के एक एक पार्ट्स अलग अलग बेच देते हैं हम। तो यहाँ पर इस तरीके से हम पुराने ऑटो पार्ट्स कलेक्ट कर सकते हैं, पुराने टायर्स कलेक्ट कर सकते हैं गाड़ी के। और जहाँ तक इसकी रिक्वायरमेंट का सवाल है, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो पुराने टायर की तलाश करते हैं कि चलो पुराना ही अभी डाल लेते हैं, नया महंगा आ रहा है, पुराने से अभी काम चला लेते हैं, या कोई और पार्ट्स की अगर रिक्वायरमेंट हुई गाड़ी में, चलो पुराना ही अभी डाल लेते हैं, सेकेंड हैंड ही डाल लेते हैं, नया महंगा आ रहा है, नया बाद में डाल लेंगे। तो
यहाँ पर रिक्वायरमेंट तो बनी रहती है इस बिजनेस में, क्योंकि काफी सारे लोग सेकेंड हैंड आइटम ढूंढते हैं। अब हमने देखा है जो भी ऑनलाइन सेलिंग वेबसाइट्स होती हैं वहाँ पर कोई इंडिविजुअल ऑटो पार्ट्स नहीं डला होता बेचने के लिए, वहाँ पर एक पूरी गाड़ी डली होती है कि ये गाड़ी पुरानी हमें बेचना है। तो यहाँ पर इस बिजनेस को हम शॉप के माध्यम से कर सकते हैं। अब अगला पॉइंट जो आता है, इस बिजनेस में हम किस तरीके से मार्केटिंग कर सकते हैं। तो जिस भी शहर में हम रहते हैं और उस शहर में जितने भी ऑटो गैरेज होते हैं उन सब से हम कांटेक्ट करते हैं। उन सब से हम कांटेक्ट करते हैं क्योंकि जब भी किसी की गाड़ी खराब होती है तो वो किसी ना किसी ऑटो गैरेज वाले के पास जाता ही है, ऑटो गैरेज वाले के पास जाता ही है। और अगर ऑटो गैरेज वाला बोलता है ये पार्ट्स खराब है या वो पार्ट्स खराब है, सेकेंड हैंड भी मिल सकता है, अगर आप चाहें तो नया भी हम डाल सकते हैं, नया भी मिल जाएगा, तो वहां से आपकी एक मार्केटिंग का सोर्स तैयार हो सकता है। वहां से आपकी एक मार्केटिंग का सोर्स तैयार हो सकता है। तो इस तरीके से हम रनिंग सेकेंड हैंड किसी भी सामान का बिजनेस कर सकते हैं। कोई भी सेकेंड हैंड जो रनिंग आइटम हो, जिसका रोटेशन बहुत फास्ट हो, जिसकी रिक्वायरमेंट हमेशा बनी रहती हो, ऐसे आइटम की हम शॉप डाल सकते हैं। एक एग्जाम्पल के साथ और मैं बताता हूँ। सपोज हमने देखा कंप्यूटर या सिस्टम, इसकी भी रिक्वायरमेंट आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा है और आने वाले समय में भी काफ़ी बनी रहेगी, इसकी रिक्वायरमेंट भी काफ़ी बनी रहेगी। तो जो काफ़ी लोग होते हैं जो पुराने सिस्टम सेल आउट कर देते हैं, काफ़ी सस्ते में बेच देते हैं, अब यहाँ पर वही सिस्टम हम अगर उनसे परचेज कर लेते हैं, अगर हम कंप्यूटर के प्रोडक्ट की, कंप्यूटर के सामान की, जो पुराने सामान हैं उनकी शॉप ओपन करते हैं, सेकेंड हैंड कंप्यूटर के सामान की शॉप ओपन करते हैं, तो ये पुराने कंप्यूटर्स हम परचेज करते हैं और उसको खोल के सपोज माउस निकाल लिया, कीबोर्ड निकाल लिया, हार्ड डिस्क निकाल ली, रैम निकाल ली, मदरबोर्ड निकाल लिया, और इसको इंडिविजुअली सेकेंड हैंड रेट में हमने सेल आउट करना शुरू करा। इंडिविजुअली सेकेंड हैंड रेट में हमने सेल आउट करना शुरू करा, तो जो ये पीसी से रिलेटेड बिजनेस भी होता है ये बिजनेस भी काफ़ी रनिंग है, इसकी भी रिक्वायरमेंट कंटिन्यू बनी रहती है, इसकी भी रिक्वायरमेंट कंटिन्यू बनी रहती है, इसमें भी डिमांड इसके पार्ट्स में कंटिन्यू बनी रहती है। जिस तरीके से गाड़ियों के पार्ट्स की डिमांड कंटिन्यू बनी रहती है तो ये रनिंग आइटम कहलाते हैं, कंप्यूटर के पार्ट्स की डिमांड बनी रहती है तो ये रनिंग आइटम कहलाते हैं। तो इस तरीके से जितने भी रनिंग आइटम जो होते हैं, जो हम सोच सकते हैं, जिनका आइडिया हम लगा सकते हैं, उससे रिलेटेड कोई भी रनिंग आइटम, सेकेंड हैंड रनिंग आइटम की सेलिंग का हम बिजनेस शुरू कर सकते हैं, उसकी शॉप ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस बिजनेस में अगर हम रनिंग आइटम से रिलेटेड करते हैं तो फ्यूचर में अच्छा ही स्कोप है, आगे चल के गाड़ियों की संख्या बढ़ना ही है, गाड़ियाँ खराब होना ही है, कंप्यूटर बढ़ना ही है, कंप्यूटर खराब होना ही है, तो फ्यूचर भी इस बिजनेस का काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम कोई भी आइडिया निकाल के ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अब एट लास्ट कुछ बात मैं बोलना चाहूँगा कि हम कुछ भी सोचते हैं, काफ़ी सारे वीडियो देखते हैं, काफ़ी हमें पसंद भी आते हैं, काफ़ी पसंद नहीं भी आते हैं, लेकिन हमारी सक्सेस अगर होगी तो वो तभी हो सकती है कि जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे किसी चीज़ को। बिना इम्प्लीमेंटेशन के हम आगे तक नहीं जा सकते।
कई बार ये प्रॉब्लम आती है, कई लोगों में मैंने देखा है प्रॉब्लम। उनको पता है, नॉलेज है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं करते या इम्प्लीमेंट करने से डरते हैं। तो यहाँ पर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम एक कैलकुलेटेड रिस्क के साथ आगे बढ़ें, कैलकुलेटेड रिस्क के साथ आगे बढ़ें तो गिरें तो गिर के उठ के फिर चल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार गिरेंगे, दो बार गिरेंगे, लेकिन कभी ना कभी तो हम बहुत तेज़ी से दौड़ना सीख ही जाएंगे। तो इम्प्लीमेंटेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी बिजनेस आइडिया को सुनने के बाद। जो हमें पसंद आता है बिजनेस आइडिया, उसमें हम पूरी कैलकुलेटेड रिस्क के साथ उस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। थैंक यू।